The question is, on 1st January 2017, A draws a bill on B for rupees 1000, payable 3 months after. Immediately after its acceptance, A sent the bill to his bank for collection. On the due date, the bill was dishonored. Record the transactions in the journal of A and B. तो आप जर्नल ऑफ ए जर्नल ऑफ बी दोनों बनाओ. तो जर्नल ऑफ ए में इन द बुक्स ऑफ ए में आप ईयर लिखो 2017 और उसमें भी 2018 दोनों में डेट कॉलम में लिखो. देन जर्नल में आप लिखो इसमें ए ड्यू ए बिल ऑन बी. तो बी ने बिल दिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी के बुक में लिखो जनवरी 1 को ए डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट 1000 रुपए ईच. और नरेशन लिखो बीइंग द एक्सेप्टेंस गिवन टू ए, ए को एक्सेप्टेंस दिया गया और ए के बुक में लिखो कि बी से एक्सेप्टेंस लिया गया. दैट इज जनवरी 1 को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी 1000 रुपए ईच बीइंग द एक्सेप्टेंस ऑफ बी रिसीव. बी मिलने के बाद ए ने अपने बैंक को कलेक्शन के लिए भेज दिया. तो बैंक को कलेक्शन के लिए भेजने का जर्नल एंट्री होता है कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1000 रुपए ईच बीइंग द एक्सेप्टेंस ऑफ बी सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन. बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा और जर्नल इन द बुक्स ऑफ बी में नो एंट्री होगा क्योंकि ये कलेक्शन के लिए भेजें डिस्काउंट करें एंडोर्स करें नथिंग टू बी डन अपने पास रखे कोई एंट्री नहीं होगा नो एंट्री. और ड्यू डेट में बिल डिजनर हो गया डिजनर का एंट्री बी के बुक में उल्टा हो जाएगा क्योंकि 3 महीने का बिल था जनवरी 1 टू फरवरी 1 1 महीने फरवरी 1 टू मार्च 1 2 महीने मार्च 1 टू अप्रैल 1 3 महीने अप्रैल 1 2 3 4 3 दिन. दैट इज बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू ए 1000 रुपए ईच बींग एक्सेप्टेंस गिवन टू ए डिजनर हो गया. और उसी तरीके में जर्नल इन द बुक्स ऑफ ए में ये तो बी का बुक में था ए का बुक में बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन डिजनर का एंट्री होगा बी टू बैंक. जर्नल एंट्री ऑन अप्रैल 4 इन द बुक्स ऑफ ए इज बी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट नॉट बी टू बैंक. इट इज बी से लिया था बी को डेबिट कर देंगे टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट जिसको डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देंगे उल्टा कर देंगे. बीइंग द एक्सेप्टेंस ऑफ बी सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन डिजनर्ड हमने भेजा था डिजनर हो गया. बी जब ए जब बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा था डिजनर हो गया ये होगा बी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन बी डेबिटेड टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट. और जर्नल का दोनों कॉलम टोटल कर दो and it will be 3000 for A and 2000 for B. B का दोनों कॉलम का टोटलिंग होगा 2000 each. And this is the final answer. अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और keep on studying पढ़ते रहिए.